चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। आपको और एक इंटरेस्टिंग वीडियो दे रहा हूं और वो वीडियो है सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान एट रिस्क ऑफ एसेसिनेशन, हत्या का रिस्क उनके ऊपर। अभी एक बहुत बड़ी कोई कॉन्स्पिरेसी समझ में आई है जिसमें उन्होंने खुद आगे बढ़कर यह कहा है कि हमारे विरुद्ध हमारा एसेसिनेशन हो सकता है, हमारे विरुद्ध कॉन्स्पिरेसी हो रही है और दुनिया के सभी मीडिया चैनल्स पर यह न्यूज आप देख सकते हैं, गूगल भी कर सकते हैं, वहां से भी आपको ये मिल जाएगा। तो मैं ये वीडियो क्यों दे रहा हूं आपको, ये वीडियो इसलिए दे रहा हूं और इसलिए कह रहा हूं इंटरेस्टिंग वीडियो कि इस तरह का मैंने एक वीडियो दिया था। कब दिया था? कई मैंने आपको बताया कई लोग ऐसे होते हैं जो समसामयिक कॉन्टेम्परेरी कोई कहीं विषय हुआ उसके बारे में एंटीसिपेशन या उस तरह से वीडियोस देने का प्रयास करते हैं, उस पर समीक्षा करने का प्रयास करते हैं। पर हमारे आप कई ऐसे वीडियोस देखेंगे जो बहुत पहले दे दिए गए और जो बिल्कुल उसी तरह से चरितार्थ होते हैं। आगे भी इस वीडियो में भी आप देखेंगे, आप खुद कहेंगे कि वास्तव में तो बहुत पहले का वीडियो और ये दिया था और ये लगभग उसी तरह से घटित हो रहा है। तो मैं वीडियो का आपको एक छोटा सा सुनवा रहा हूं, सबसे पहले उसका पार्ट सुनवा रहा हूं, उसके बाद में मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा आपको और ये कब का वीडियो है वो भी समझ लीजिए। चलिए ये सब वीडियो के बारे में बताऊं, उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर मैं आपको भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही बताने का प्रयास करता हूं और आप देखते होंगे कि घटनाक्रम कुछ उसी तरह घटित होता पाया जाता है। इस वीडियो में भी आप यही देखेंगे कि कितना पहले मैंने बता दिया था और वो अब बिल्कुल वैसा ही सामने आया है। शेयर करिए अपने ग्रुप्स में और अगर कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो लाइक भी करिए। और इसके बारे में मैं आगे कुछ देखता हूं और क्या है वो भी इसमें बताऊंगा। तो ध्यान से सुनिए, पहले एक क्लिप आपको सुनवा रहा हूं, छोटा क्लिप सुनवाऊंगा क्योंकि फिर मैं उसका लिंक भी दे दूंगा, आप पूरा वीडियो सुन सकते हैं क्या कहा था मैंने और आज क्या हुआ। तो ध्यान से देखिए, पहले एक छोटा सा क्लिप आपके सामने सुनवा रहा हूं, सुनिए कि कुछ ऐसा विकट हो सकता है जो कि ये हमारे प्रेजेंट जो है यहां के सऊदी के जो शासक हैं उनको कैद करने का या उनका तख्ता पलट करने का या उनको इवन बिल्कुल रास्ते से हटाने का बिल्कुल एक षड्यंत्र चल रहा है और ये कार्यान्वित किया जा सकता है। आप देखेंगे आगे आने वाले समय में ये आपको निश्चित तौर पर दिखाई देगा। तो ये जो हमारा सऊदी अरेबिया आप देख पा रहे हैं जो केंद्र में है, ये बड़ी परिस्थितियों में बड़ी दिक्कतों में आगे फंसा दिखाई दे रहा है और इस कारण से आप देखेंगे कि ये पूरा जो पॉलिटिक्स है मध्य एशिया का उसमें काफी तनाव दिखाई देगा, टेंशन दिखाई देगा। वैसे भी मैंने आपको अपने पहले वीडियोस में बताया हुआ अगर याद हो आपको कि विश्व के तीन क्षेत्र इस समय ऊर्जित है। पहला मैंने आपको बताया था, इसके ऊपर के जो क्षेत्र हैं जो आप ऊपर जाएंगे तो यूक्रेन और रशिया के क्षेत्र थे। दूसरा मैंने ये पूरा मध्य एशिया का आपको क्षेत्र बताया था और तीसरा क्षेत्र याद होगा आपको अगर इधर आएंगे इंडिया के आगे और चाइना साउथ सी जिसको कहते हो वहां का क्षेत्र था, जिसमें ताइवान जिसमें चाइना और बाकी इंडिया का भी क्षेत्र आता था। तो इस तरह से विश्व के ये तीन क्षेत्र बहुत बुरी तरह से उर्जित हैं और यहां घटनाक्रम आगे बहुत भयंकर घटित होने की परिस्थितियां बन रही हैं। लेकिन ये जो मैंने आपको घटना चक्र बताया ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, ये यहां पर तख्ता पलट या फिर ऐसी कॉन्स्पिरेसी जिसमें व्यक्ति को हटाया जाता है या उसकी जान ली जाती है किन्हीं कारणों से, इस तरह की परिस्थितियां यहां पर दिखाई दे रही हैं। साथ ही साथ नेवर्स इसका मतलब जो पड़ोसी है वो भी उनके द्वारा भी कितना क्लियर है। अब ये कब का है इसकी डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब आप हमारे चैनल पे देखेंगे तो उसमें देखेंगे 18 दिसंबर
2021, 18 दिसंबर 2021 का वीडियो है ये, जब रूस यूक्रेन युद्ध भी शुरू नहीं हुआ था, क्योंकि वो आपको मालूम है वो 22 और 24 फेब 2022 में हुआ था, तो तब वो भी शुरू नहीं हुआ था। तब मैंने ये वीडियो दिया था कि एक कॉन्स्पिरेसी इनके अगेंस्ट होगी, इनकी जान लेने की, इनके परिवार को समाप्त करने की, या इस तरह की परिस्थितियां बनेंगी। और आज आप देख रहे हैं एग्जैक्टली वही हुआ। और कोई कहता तो ठीक है, उन्होंने खुद ही पूरा बयान किया, क्योंकि उनके पास पूरी रिपोर्ट है, जो इनकी इंटेलिजेंस होती है, पूरी रिपोर्ट आई उनके पास और बताया गया कि किस किस तरह से आपको एक तरह से रास्ते से हटाने का प्रयास किया जा रहा है। और तब उन्होंने आके दुनिया के सामने ये स्टेटमेंट दिया। तो समझ लीजिए कि सऊदी के अगेंस्ट यस जो जो इसमें बताया है वो हुआ, और आगे जो बताया भी और होगा। इनके पड़ोसियों से कन्फ्रंटेशन ड्यू है। और इसमें लास्ट में बताया तीन क्षेत्र उजित है। देखिए, कभी उस समय कोई युद्ध तो शुरू नहीं हुआ था ना 18 दिसंबर 2021 को। इसमें भी बताया है, देखिए, एक सबसे ज्यादा उर्जित इधर और ये रूस यूक्रेन बताया, ये क्षेत्र बताया, और ये तीनों में आप देख रहे हैं प्रॉब्लम्स लगातार बढ़ रही। दो जगह युद्ध ही चल रहे हैं, तीसरी जगह युद्ध की परिस्थितियां बन रही। तो इसका मतलब है कि आज से लगभग 3 साल होने वाले हैं, 18 दिसंबर 2021, 18 दिसंबर 2024 को 3 साल हो जाएंगे, तब मैंने ये वीडियो दिया था और ये आपके सामने है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि मैं भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में पहले आपको असेसमेंट करके, मेरे पास बहुत घटनाक्रम है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां से आपको कोई लेना देना नहीं, तो उनके बारे में बहुत ज़्यादा हम वीडियोज अपलोड नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि कई वीडियोज आपने देखे होंगे कि जिनके बारे में जो बताया, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनको कंपाइल करके और आपके सामने एक एक करके बताऊँ कि देखिए ये बोला था ये हुआ, ये बोला था ये हुआ, तो आप समझ पाएंगे कि वास्तव में जिस तरह से बोला था वही हुआ। तो फ्रेंड्स, इस तरह के वीडियोस मैं आपको और देता रहूंगा। सऊदी के लिए आगे और समस्याएं आने वाली हैं, अभी जब सेंट्रल एशिया का हम और ज्यादा अभी विवेचन आगे देने वाले हैं, तो इसमें फिर इसको शामिल करेंगे, क्योंकि इनको भीतरघात के रूप में यहाँ की देश जो है पहचानेंगे और इनके अगेंस्ट कई कार्रवाइयां करने वाले हैं, वो मैं आपको जरूर आगे बताऊंगा। तो आपने ये वीडियो देखा, शॉर्ट वीडियो था लेकिन इंपॉर्टेंट वीडियो था, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अपना अमूल्य समय दिया। अगला वीडियो फिर मैं किसी महत्वपूर्ण इशू पर आपको देने वाला हूँ। तब तक आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।